मेरा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म के बारे में ऑन यूट्यूब। उसके कॉन्सेप्ट समझे बगैर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप समझोगे, लेकिन सीरियस चीज़ है, अगर आप मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हो तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। इट्स वेरी वेरी सिंपल एज दैट। और स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, जब आप खाना खाते हो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, राइट? चाहे ज़्यादा खाओ चाहे कम खाओ, वेरी सिंपल। तो कम कम खाओ, 4 4 घंटे में खाओ, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। जब आप वॉक करते हो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जब आप रन करते हो मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा बूस्ट होता है, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो या स्क्वाट्स मारते हो मेटाबॉलिज्म और बूस्ट होता है। सो एवरी टाइम यू डू दीज थिंग्स मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। जब आप सो जाते हो, रिलैक्स करते हो, बैठते हो, तब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। उसको बूस्ट करने के लिए यही सब करना पड़ेगा। दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड वाटर, यू नीड अ बैलेंस्ड डाइट, दैट्स इट। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। बस ये चीज़ें, इसको समझने के लिए गो एंड वॉच माई डिटेल वीडियो ऑन यूट्यूब। जस्ट टाइप मेटाबॉलिज्म बाय डॉक्टर एजुकेशन, यू विल सी द वीडियो, गो एंड वॉच इट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स।